नमस्कार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज ईएसआईसी चिंता से मुक्ति में आपका स्वागत है। और आज की हमारी चर्चा का विषय है चिकित्सा हित लाभ, जिस पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हैं डॉक्टर दीपिका गोविल, जो कि ईएसआईसी मुख्यालय में चिकित्सा आयुक्त के तौर पर कार्यरत हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी देश भर में 12 करोड़ से भी अधिक ईएसआई लाभार्थियों को बेहतर चिकित्सा सेवा एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। कृपया ईएसआईसी के अनेकों हित लाभों में से एक प्रमुख लाभ चिकित्सा हित लाभ पर थोड़ा प्रकाश डालिए। नमस्कार, ईएसआईसी हमारे देश में लगभग 71 सालों से कार्यरत है। ईएसआई अर्थात कर्मचारी राज्य बीमा निगम हमारे देश के लगभग 12 करोड़ ईएसआई लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। हम चिकित्सा लाभ के साथ साथ सभी सामाजिक सुरक्षाएं प्रदान करते हैं, और चिकित्सा लाभ पर सबसे अधिक हमारा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अन्य सभी लाभ किसी न किसी रूप में चिकित्सा लाभ से ही लिंक रहते हैं। ईएसआईसी अपने एक बहुत बड़े समूह के साथ चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है। पूरे देश में ईएसआईसी के 161 अस्पताल चलाए जा रहे हैं। इसमें से 54 अस्पताल स्वयं ईएसआईसी द्वारा संचालित हैं, और शेष 107 अस्पताल सभी राज्यों में विभिन्न राज्य सरकारों के अंतर्गत संचालित हैं। 1574 औषधालयों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो हमारे सभी लाभार्थियों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करता है। और सब अस्पतालों में हम द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर, थर्ड सेकेंडरी और टर्शरी केयर सुविधाएं प्रदान करते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि आवश्यकता हो तो किसी भी जो सुविधा उपलब्ध ना हो या विशिष्ट सेवा की अगर का आवश्यकता हो तो वह हम टाइप के माध्यम से अपने लाभार्थियों को प्रदान करते हैं। सभी अस्पतालों में आपका मेडिसिन, सर्जरी, IENT, प्रसूति विभाग, ये सभी उपलब्ध होते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जरी, सभी रोग स्त्री रोग संबंधी सर्जरी, ये सब सुविधाएं अस्पतालों में उपलब्ध हैं। और इन अस्पतालों में हम 24 घंटे निरंतर कार्यरत एक हमारी इमरजेंसी सुविधा, जिसको हम कहते हैं कैजुअल्टी, वह चलाई जाती है। और ईएसआईसी में सभी लाभार्थियों को ही इलाज दिया जाता है, ऐसा नहीं है। इन इमरजेंसी सुविधाओं के माध्यम से हम किसी भी नॉन ईएसआई को भी तुरंत इमरजेंसी की जो भी आवश्यकता है चिकित्सा से संबंधित, वह प्रदान करते हैं। और मुझे गर्व है यह बताते हुए कि हमारे विभिन्न अस्पतालों में अब सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं भी प्राप्त हो रही हैं। हमारे यहाँ IVF के क्लिनिक चलाए जा रहे हैं, IVF सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कैंसर के काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जो ऑपरेशन हैं वो भी अब किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार ईएसआई निरंतर अपने लाभार्थियों को इन हाउस, अर्थात मैं अपने हॉस्पिटल के माध्यम से ही अपने लाभार्थी को सभी सुविधाएं प्रदान करूं, ऐसा एम लेकर के ईएसआई निरंतर आगे बढ़ रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो मेरी सेकेंडरी केयर द्वितीयक स्तर सुविधाएं हैं, वे सभी अस्पतालों में उपलब्ध हैं। और हम तृतीयक स्तर की सेवाएं अपने अस्पतालों में भी उपलब्ध करवा रहे हैं, और जो नहीं उपलब्ध है उसके लिए टाइप का हमारा एक बना हुआ है सिस्टम, उसके द्वारा हम अपने लाभार्थियों को ये सुविधाएं दे रहे हैं। और ईएसआईसी में किसी भी प्रकार की कोई खर्च की सीलिंग लिमिट नहीं है। ये हमारी ईएसआईसी का एक एकदम अलग ये फीचर है कि किसी भी अन्य सरकारी या अन्य चिकित्सा सुविधा से हमें ये अलग बनाता है। उसमें हम किसी भी खर्च की सीमा निर्धारण के बिना अपने सभी लाभार्थियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं, और यह
प्रत्येक स्तर पर पूरी तरह से कैशलेस सुविधा है, अर्थात मेरे लाभार्थी को जब मेरे ईएसआई में चिकित्सा सुविधा के लिए आना है तो उसे किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं करना है। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने अपने बीमित व्यक्ति के परिवारों में अनेक प्रकार की कुछ रेयर डिजीज पर वार्षिक करोड़ रुपए तक के खर्च को भी वहन किया है। किसी भी प्रकार का अतिरिक्त अपने लाभार्थी से कोई भी हमने अंशदान नहीं लिया है। उसके लिए जो उनका एक निर्धारित अंशदान की सीमा होती है, बस वो वही उन्हें देना होता है, और वह कैशलेस और लिमिटलेस सेवाओं के लिए इस ईएसआईसी के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। क्या जन्मजात बीमारियां आश्रित पिता माता को भी ईएसआईसी के लाभार्थी के अंतर्गत कवर किया जाता है, जो किसी अन्य योजना में नहीं किया जाता? कृपया विस्तार से बताएं। जी हाँ, जन्मजात बीमारियां और आश्रित माता पिता को भी ईएसआईसी के लाभार्थी के अंतर्गत कवर किया जाता है, जो किसी अन्य योजना में नहीं किया जाता। और ये ही हमारे इस ईएसआईसी को विशिष्ट बनाता है, हमारे लाभार्थियों के परिवार से हमें जोड़ता है। अच्छा, तो क्या ओपीडी में भाग लेने वाले ईएसआईसी के बीमित व्यक्ति को भी दवा प्रदान की जाती है? हाँ जी, हमारे ईएसआईसी के बीमित व्यक्तियों को एक समग्र रूप से इंटीग्रेटेड सुविधा प्रदान की जाती है। चिकित्सा में डॉक्टर्स का कंसल्टेशन, उनको जो भी दवाएं प्रदान करनी है वो भी हमारे ओपीडी के डिस्पेंसरी और अस्पतालों के द्वारा प्रदान की जाती हैं। और इसके लिए हमारे अपने रेट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं, जिसके माध्यम से हम पूरे सामूहिक रूप से ऑल ओवर इंडिया हम ये दवाएं प्रदान कराते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय केमिस्ट को भी हम नियुक्त करते हैं, जिससे कि ये दवाइयाँ मरीजों को हम उपलब्ध करा सकें। सभी प्रकार के इन्वेस्टिगेशंस की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसके लिए हमारे डिस्पेंसरी से भी उनको सुविधाएं दी जाती हैं समय जब भी आवश्यकता हो तो, और अस्पतालों से तो ये सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है, यदि आईपी आपातकालीन स्थिति में किसी निजी अस्पताल में इलाज कराता है, तो क्या चिकित्सा प्रतिपूर्ति का कोई प्रावधान है? हाँ जी, बीमित व्यक्ति माध्यमिक देखभाल के लिए तो किसी भी ईएसआई अस्पताल में अपना इलाज करा सकता है, और यदि तृतीयक सेवाएं उपलब्ध हैं हमारे इस अस्पताल में तो वो भी उसे उपलब्ध होती हैं। अगर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है तो इमरजेंसी के दौरान हमारे लाभार्थी किसी टाई अप अस्पताल में भी जा सकते हैं और कैशलेस तरीके पर ही अपनी सुविधाएं चिकित्सा से अवेल कर सकते हैं। मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि क्या आईपी और उसके आश्रित पूरे भारत में किसी भी ईएसआईसी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं? हमारे लाभार्थियों को ये सुविधा एक उपलब्ध है कि यदि हमारा बीमित व्यक्ति किसी अन्य राज्य में कार्यरत है और परिवार किसी दूसरे राज्य में है तो वे दोनों ही स्थानों पर अपनी डिस्पेंसरी का चयन कर सकते हैं, और दोनों स्थानों पर अलग-अलग अपनी आवश्यकता अनुसार चिकित्सा सेवाएं ले सकते हैं। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे यह है कि ईएसआईसी अस्पतालों में किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं? कृपया विस्तार से बताइए। ईएसआईसी के अस्पतालों में लैब, डायग्नोस्टिक्स, फार्मेसी, ये सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं जैसा मैंने आपको बताया। और हम डिस्पेंसरीज के माध्यम से भी ये सुविधाएं उनको उपलब्ध कराते हैं। और इस प्रकार इस पूरे नेटवर्क के द्वारा हम अवेलेबल सुविधाओं को प्रदान करते हैं, जो नहीं है उन्हें हम टाई अप के माध्यम से देते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि किसी भी कारण से हमारे लाभार्थी को, हमारे बीमित व्यक्ति को किसी आकस्मिक कारण से यदि कहीं प्राइवेट सिस्टम से इलाज लेना पड़े तो उस खर्चे का हमारे द्वारा रिएम्बर्समेंट भी किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के हेल्थ चेकअप कैंप्स किए जाते हैं। सभी प्रकार से हम विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा अपने लाभार्थियों को प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव
एंड एजुकेटिव सिस्टम के अंतर्गत हम उन्हें हेल्थ के बारे में जानकारी देते हैं, विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं और किस प्रकार से किसी भी बीमारी से रोकथाम की जाए, उसके लिए क्या उपचार किए जाएं, इसकी भी जानकारी समय समय पर दी जाती है। ये कैंप हम अपने लाभार्थियों के कार्य क्षेत्र में भी लगाते हैं और हमारे विभिन्न अस्पतालों में भी ये कैंप लगाए जाते हैं। और ESIC निरंतर कार्यरत है, बद्ध है अपने लाभार्थियों को श्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान करने के लिए। ESI आप सबके श्रेष्ठ स्वास्थ्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।